Hi guys, I'm Disha. This is me, Sahrish. My name is Sadik. Salima. और आज हम करने वाले हैं गाना मलंग पे और नाम है हुई मलंग. Yeah. Okay. और ये गाना आते हैं आसीस ने गाया है. आसीस कौर और yes, yes. अच्छी पहले yeah. भी गा चुकी हुई है ना. काफी गाने उन्होंने गाए हैं. काफी अच्छे गाने गाए हैं उन्होंने. रिएक्शन भी तो दिए हैं. अच्छा yes, मलंग का मेरे ख्याल से वो मेल वर्जन था ना जो हमने वो मेन टाइटल ट्रैक था. वो इट वाज अ प्योरली मेल वर्जन. ये मुझे लग रहा है बिल्कुल फीमेल वर्जन है. अच्छा ये लग रहा है. ये हुई मलंग है और वो मलंग टाइटल ट्रैक. तो आई थिंक ये फर्क आ रहा है. आ चुकी है. हां ये रिलीज हो चुकी हुई है. कैसी मूवी थी? किसने देखी? ये मैंने कल ही देखी है. मैंने देखी है. ऑनलाइन अवेलेबल थी तो देखी है. रियली बोले अगर आप लोग को हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट करते रहना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना. सो स्टार्ट करते आज का तेरा बहुत गहरा होने वाला है और खामोश काल भार to live life from one height to another. जो धूम थ्री का मलंग याद आ गया. वो कपड़े वैसे पहने थे ना. वो कंजी ना पीस ऐसी ड्रेसिंग थी और वैसे ही डांस था. गाना बनाया कि वो फिल्म के दूसरे सीन्स भी इसमें इन्होंने इंटीग्रेट किया. हां वो वैसे भी हमने अब तक जितने भी इसके सारे सॉन्ग सुने हैं उसमें सब में इन लोगों ने ऐसे ही किया है. स्टोरीज इन लोगों ने ऐड की हुई अपने सॉन्ग्स में. फिर भी स्टोरी रिवील नहीं होने दे रही. अभी तक और जिन्होंने बताया मैंने कहा कि सोच नहीं गया हो क्या रहा है. जब टेलर उसमें था कि दिशा लाइक मर जाएगी ऐसा कुछ होगा. बट
क्या होगा ये तो पता नहीं लग रहा था ये सॉन्ग सुनने के बाद आज देखो तो पता चले कि मूवी में एग्जैक्टली हुआ क्या है लेकिन ये बहुत उन्होंने अच्छा बनाया एक तो म्यूजिक बड़ा जबरदस्त है और दूसरे उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बहुत काम किया है जो भी चीज है मतलब इन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है म्यूजिक हो जाए आप इसका साउंड सुन ले और इसकी वो लाइटनिंग लाइटनिंग और कलर मतलब जो ना कलर ग्रेडिंग वगैरह जो होती है एक चीज पे उन्होंने काम किया एक्शन कास्टिंग सब आउटस्टैंडिंग है इस मूवी का और मुझे गाना बहुत अच्छा गाया है जो उसका मतलब जो लास्ट मतलब टाइटल जो सॉन्ग था जिसने गाया था मेल वर्जन में से मेल वर्जन आई फॉरगॉट वेरी क्या था लेकिन बहुत अच्छा था जो उन्होंने गाया उसकी टक्कर के हिसाब से आसीस कौन ने गाया बहुत अच्छा गाया है उसी की मतलब टक्कर की तरह से गाया कि मतलब आप सुनते रह जाओ जो वो सुना था सुनते रह जाओ आवाज भी देखनी थी एंड सॉन्ग्स भी सुन रही थी आवाज इतनी अच्छी थी ना म्यूजिक ब्रिलियंट है बहुत अच्छा बहुत अच्छी खासी मूवी ये तो मोहित सूरी की फिल्मों का ट्रेडमार्क है ना उसके तो म्यूजिक जबरदस्ती होता है हमेशा एक विलेन हो जाए या ये हो जाए इससे पहले वो थी इसकी आशिकी 2 आशिकी 2 आशिकी 2 इट वाज गुड सो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा सो मैं भी इंतजार में हूं तू भी इंतजार में कब देखेंगे हम लोग ये जब मिलेगी तो देख लेंगे आज पक्का मैं देखूंगी मूवी डू वॉच इट हम लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑब्वियसली अच्छी बात है इतना सब कुछ देखने के बाद हो सकता है कोई नहीं, हम लोग अपने यहाँ पे एंड करते हैं जाने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर को बोलना चाहेंगे अगर आप लोग हमारा ये रिएक्शन अच्छे लगे तो गाइस प्लीज लाइक शेयर कमेंट करते रहना हमारे लिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना सो तब तक के लिए अलविदा।